सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, भारत इस साइड और आप देख रहे हैं दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल का यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है आह्वान। वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई और इस कथा की रचना 1912 के आसपास की गई थी। और 1912 का जो समय है वो भारत का वो समय था जब भारत अंग्रेजों के द्वारा गुलाम था और अंग्रेजों ने भारत के ऊपर इतने सारे कष्ट दिए हुए थे कि भारत उन कष्टों से टूट चुका था और 1857 की क्रांति को भारत पहले झेल चुका था। ये चीज आप जानते ही होंगे, 1857 की क्रांति एक विशाल क्रांति थी जो कि पूरे देश के अंदर लड़ी गई थी, लेकिन उस क्रांति का पूर्ण रूप से दमन कर दिया गया था। भारतीय लोग जो थे वो निराशा की तरफ जाना शुरू हो चुके थे और उनके अंदर से आशा रूपी पर्वत जो होता है वो हट चुका था। अब उनके अंदर किसी भी प्रकार की शक्ति और क्षमता नहीं थी और उसी शक्ति और उसी क्षमता को बरकरार रखने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता की रचना की थी। कवि को ये डर था कि सहमी हुई जो जनता है भारत की वो कहीं भाग्य के भरोसे ना बैठ जाए, क्योंकि यदि हम कोई मेहनत नहीं दिखाते हैं, यदि हम कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो किसी भी कार्य को कर पाना असंभव है। और इस कविता की रचना उसने इसलिए की कि लोग भाग्य की तरफ ना चले जाएं और इस कविता को सुनकर जानकर समझकर उनके अंदर वापस दृढ़ शक्ति आ जाए, वो दोबारा से खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं एक नए कार्य को करने के लिए। सबसे पहले पंक्ति में कवि कहता है कि हे भारतवासी, तुम व्यर्थ क्यों बैठे हुए हो? अगर अपने दुखों से मुक्ति तुम्हें पानी है तो उठो। सफलता पाने का मतलब है कुछ जीवन में सार्थक करना, कुछ ऐसा करना जो सार्थक हो, जो सफल हो। कवि कहता है कि केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा, आप उठो अपनी जगह से और कुछ करना शुरू करो, कुछ सार्थक करना शुरू करो। परिस्थितियां अपने आप नहीं बदलती हैं, परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको स्वयं उठना पड़ता है, आपको खुद उठना पड़ता है और आपको चलना पड़ता है परिस्थितियों को बदलने के लिए। कभी भारतीयों के मन में उदासी को देखते हुए उसको दुख होता है और वो कहता है कि उठो और पुरुषार्थ की तरफ चलो। फिर वो कहता है कि अपने आप तो मुंह में निवाला भी नहीं जाता है, उसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए भी उसको उठाने के लिए अपने हाथों को बढ़ाना पड़ता है, तब जाके हमारे मुंह में वो निवाला जाता है। कवि कहता है कि लोग जानते हैं कि मेरे साथ में ये समस्या चल रही है और मैं इस समस्या से परेशान हूं, लेकिन उसके बाद भी लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। वो भाग्य के भरोसे बैठे हुए रहते हैं और वो ये चाहते हैं कि भगवान कुछ करेगा, भगवान हमें इस समस्या से निदान दिलाएगा। वो खुद कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, वो चाहता है कि लोग अपनी सुस्ती को तोड़ें और पुरुषार्थ के मार्ग पर चलें, कार्य करने के मार्ग पर चलें, ना कि आलस में बैठे रहने से और भगवान को याद करने से उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो कहता है कि देश की परिस्थिति को बदलने के लिए हर एक व्यक्ति को निकल के आगे आना चाहिए। देश के लिए जिन भी चीजों की व्यवस्थाओं को अच्छा बनाना है या जिन चीजों की जरूरत इंसान को उस वक्त पड़ रही थी, उन चीजों के लिए वो चाहते हैं कि लोग आगे आए और सारे साधनों को जुटाएं, जिससे देश के अंदर प्रगति आए, विशाल बने देश और शक्तिशाली बने देश। जिस देश को अंग्रेजों ने खोखला कर दिया है उस देश को सारे लोग मिलके वापस शक्तिशाली बना दें। इसी के साथ में यहाँ पर ये एक संस्कृत की एक कहावत बोलते हैं जिसमें है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, जिसका मतलब है कि कार्य करने से ही सफलता मिलती है, मन में सोच लेने से सफलता नहीं मिलती है। मैंने मन में सोच लिया मैं 10th क्लियर कर लूंगा, मैं 10वीं पास हो जाऊंगा, बस मैं सोच रहा हूँ बैठ के, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम है ना, मैं वीडियो देख रहा हूँ, ना मैं बुक खोल रहा हूँ, ना ही मैं राइटिंग कर रहा हूँ, बस सोच रहा हूँ मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा और पास हो जाऊंगा। भगवान के भरोसे छोड़ दिया है कि मैं पास हो जाऊंगा, मेहनत मैंने नहीं करनी है। तो कभी बता रहा है कि बिना मेहनत करे कुछ नहीं होता है, रोटी का निवाला भी अपने आप मुंह के अंदर नहीं जाता है, उसको मुंह तक लाने के लिए अपने हाथों को आगे करना पड़ता है, तब जाके वो निवाला हमारे मुंह के अंदर जाता है। कभी कहता है कि जो आलस्य है वो शरीर के अंदर बैठा हुआ एक शत्रु है,
जो इंसान को धीरे धीरे मारना शुरू कर देता है। अगर हम आलस्य को अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो हमारा शरीर हमें निर्बल कर देता है और हम धीरे धीरे भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं और हम सफलता कभी भी जीवन में नहीं पाते हैं। कि जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं, पीछे पड़े तुम देव के सिर, दोष अपना मढ़ रहे। पर करम तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है देव क्या साचे बिन कुछ आप ढल सकता नहीं। दूसरी पंक्ति में ये कहते हैं कि जो पीछे थे तुम्हारे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पीछे थे किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि जो पीछे थे तुम्हारे वो आगे बढ़ गए हैं। इतिहास को खोल के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत एक सोने की चिड़िया थी और भारत को सोने की चिड़िया से भारत के लोगों की व्यवस्था, भारत के लोगों के आलस्य और भारत के लोगों के अंदर पुरुषार्थ ना होने की वजह से भारत जो सोने की चिड़िया था उसको लूट के चले गए। क्योंकि भारत के लोगों ने सामर्थ्य नहीं दिखाया भगवान के भरोसे रहने की वजह से, कि जो करेगा भगवान करेगा, हम क्या कर सकते हैं, इस भरोसे रहने की वजह से यहां से सोना भारत का लूट के ले गए। अभी कहते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, भारत एक सोने की चिड़िया थी, लेकिन भारत पीछे रह गया और पश्चिमी देश जो थे उन्होंने नए नए आविष्कार किए और नए नए आविष्कार से उन्होंने अपने देश के अंदर क्रांति ले आई, अपने आप को उन्होंने समृद्ध बना लिया। उन लोगों ने निरंतर अभ्यास किया, निरंतर प्रैक्टिस की और निरंतर परिश्रम किया, यानी कि उन्होंने निरंतर हार्डवर्क किया और निरंतर उन्होंने प्रैक्टिस की, लगातार प्रैक्टिस की, लगातार हार्डवर्क किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने देश के अंदर क्रांति ले आए, औद्योगिक क्रांति ले आए, परमाणु बम उन्होंने बना लिया। लेकिन भारत सिर्फ भाग्य के भरोसे रहकर पीछे रह गया। कभी कहता है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने शासकों की डर की वजह से, क्योंकि 1912 में कविता लिखी गई है, 1912 में भारत जो है वो कब्जे में है, तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि भारत के लोग अपने शासकों के डर की वजह से चुपचाप बैठे हुए हैं और अपने कार्य को, अपनी समृद्धि को आगे नहीं बढ़ा रहे, अपना पुरुषार्थ नहीं दिखा रहे हैं। कवि कहता है कि लोग बदलते हुए समय के हिसाब से अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। वो अपनी हर असफलता के लिए अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं, जबकि वो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं, वो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, बस वो भाग्य को ही दोषी ठहराना चाहते हैं। विपत्ति आने पर सिर्फ भाग्य के दरवाजे खटखटाते हैं और भाग्य को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। वो लोगों को बताना चाहता है कि कर्म रूपी तेल के बिना हम अपने भाग्य रूपी दीपक को कभी नहीं जला सकते, जिसके लिए हमें अपने कर्म को करना पड़ेगा, अपने कार्य को करना पड़ेगा, तभी हमारा भाग्य भी जलेगा। अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो हमारा भाग्य भी नहीं जलेगा, वो भी सोता रहेगा, वो भी बुझ जाएगा। कवि एक और उदाहरण से समझाने का प्रयास करता है। वो कहता है कि मूर्ति को बनाने से पहले भी उसका एक सांचा बनाना होता है और उस सांचे को बनाने के लिए जो कलाकार होता है वो बहुत मेहनत से उस सांचे को बनाता है, उसके बाद ही उसमें से मूर्ति बननी शुरू होती है। यानी कि एक बार तो मनुष्य की मेहनत अवश्य करनी पड़ती है। ऐसे ही एक कहावत उर्दू में कही जाती है, हिम्मतें मर्दा तो मददें खुदा। यानी कि अगर आदमी हिम्मत करता है तभी खुदा भी उसकी मदद करता है, अगर आदमी हिम्मत नहीं करता है तो खुदा भी उसकी मदद नहीं करता है। ऐसे ही एक अंग्रेजी में कहावत है जिसमें कहता है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। यानी कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं, जो अपनी ही मदद खुद नहीं करता है उसकी मदद भगवान क्या करेंगे। इसका मतलब यह है कि लोग अपनी मेहनत से भगवान का प्रसाद पाते हैं और जीवन में सफल हो जाते हैं, लेकिन मेहनत ही नहीं करते हैं तो प्रसाद किस बात का मिलेगा, इसलिए वो सफल नहीं हो पाते हैं। तीसरे अंश में कभी कहता है, आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के साधक बने, सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से है एक के मिट सकता आहो, बनती नहीं क्या एक माला विविधा सुमनों की कहो। इस तीसरे अंश में कभी कहता है कि हम भारत के जो लोग हैं वो अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय से संबंधित हैं। हमारे देश के अंदर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग हैं
और अगर हम सारे मिलके एक साथ नहीं आएंगे, देश के लिए मिलकर एक हार नहीं बनेंगे, तो देश कभी भी गुलामी की जंजीरों से नहीं निकल पाएगा। देश को अगर गुलामी की जंजीरों से निकालना है तो हम सबको अपने जाति, अपने धर्म, अपने मजहब को छोड़कर आगे आना होगा। और जब हम आगे आएंगे तभी हम देश की अंदर जो गुलामी की जंजीरें हैं उनको तोड़ पाएंगे। कभी कहता है, क्या हम लोग देश के अंदर शांति और समृद्धि लाने के लिए अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म और अलग अलग समुदाय से होने के बाद भी क्या हम एक नहीं हो सकते? अपने देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए क्या हम एक नहीं हो सकते? कभी कहता है कि हम अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के होने की वजह से देश के अंदर बाधा नहीं बन सकते हैं। हम देश को डुबा नहीं सकते हैं कि हम अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के हैं तो हम देश को डुबा दें। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के होने के बावजूद हम देश हित के लिए आगे आए, और देश हित के लिए आगे आने के बाद में देश रूपी माला बने। जैसे अलग अलग फूलों को मिलाकर हम एक माला बनाते हैं और उसको हम चढ़ाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के होने के बावजूद हम देश के लिए एक माला के रूप में कार्य करें और देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं। यानी कि इस पूरी कविता के अंदर हमने तीनों अंशों को पढ़ा, और तीनों अंशों में कवि अपने देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति से देश के लोगों को बाहर निकालना चाहता है, और कवि चाहता है कि वहां के जो लोग हैं वो समृद्ध हो जाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने धर्म, अपने जाति को एक तरफ रखें। जब देश का मामला हो, देश हित का मामला हो, तो वो इन सारी चीजों से हट जाएं और देश की सुरक्षा के लिए आगे खड़े हो जाएं, और भाग्य के भरोसे ना बैठें, कार्य करें, परिश्रम करें, मेहनत करें, पुरुषार्थ दिखाएं और वापस अपने देश को गुलामी से आजाद कराएं, अपनी सत्ता स्थापित करें और देश के अंदर विकास लेके आए। ये जो काव्य है वो भरत भारती नामक काव्य से लिया गया है, जिसके रचना का मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे, और इनका जन्म उत्तर भारत के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 में हुआ।